जारी है। ताजा मामला है पटना सिटी के चौक शिकारपुर इलाके का, जहां चोरों ने बंद घर का ताला तोड़कर घर में दाखिल हुए। वहीं गोदरेज और अलमीरा का ताला तोड़कर 6 लाख रुपए के गहने, चांदी के सिक्के, 40,000 रुपए कैश और कीमती सामान समेत 10 लाख की चोरी कर चलते बने। वहीं चोरी की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन के साथ साथ आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरों की पहचान करने में जुट गई है। बताया जाता है कि गृह स्वामी बिट्टू जायसवाल अपने पूरे परिवार के साथ शादी समारोह में शामिल होने गए हुए थे, जिसकी भनक चोरों को लग गई। वहीं चोरों ने पूरे घर को खंगाला और चोरी कर चलते बने। चोरी की सूचना पड़ोसों ने गृह स्वामी को दी। इसके बाद पीड़ित की बहन घटनास्थल पर पहुंची और पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। स्वर्ण रानी के साथ रत्नेश राज की रिपोर्ट। सीढ़ी लगाकर इसको चढ़ने वाला उपाय है, तो वहीं पर चोरी हो गई है। इनके रिश्तेदार लोग आए हुए हैं, आपको बहनोई आए हुए हैं, बहन बहनोई आए हुए हैं। चोरी की घटना घटी है, क्या कुछ मामला है? हम लोग बगल से पता चला कि मतलब यहाँ ताला टूटा हुआ है, तो देखे तो मेरा गोदरेज सब से छिदराया हुआ, मतलब पूरा टूटा हुआ है, पीछे भी सारा टूटा हुआ है, सब सामान गायब है। जेवर उबर था 8-10 भर का, जेवर 10 भर के करीब होगा, जेवर 40,000 कैश था सारा, और कोई बर्तन कुछ होगा सब लेके चला गया। घर क्या बंद था क्या? घर यहाँ से वहाँ तक लॉक था, बाहर गए हुए थे। हाँ, घर के लोग सब बाहर गए। क्या नाम हुआ आपका? दीप माला जायसवाल। क्या हुई आप? लोग कहीं किसी कार्यक्रम में घर से बाहर गए हैं, दूसरे जगह गए हैं। अभी हमको सूचना मिली कि उनके घर में चोरी हो गई है। क्या क्या देखे अंदर? आए यहाँ तो आने पर देखा कि उनका गोदरेज टूटा हुआ है, बक्सा टूटा हुआ है, सारा उसमें जो है सामान तितर बितर किया हुआ है। उनके बहन और बहनोई आए हैं, उनसे उन लोगों से बातें हुई। बातें में उन्होंने कहा कि वो फोन से बात हुई है उनसे, तो लगभग 8-10 भर सोने बता रहे, जो लाखों में हो सकता है वो सोना है, और 40,000 रुपए की बात बताई जा रही है कि चोरी हुई है। और एक चोरी में एक सामान जो ये रड जो बरामद हुआ है, ये रड बरामद हुआ है, चोरों का छुटा हुआ है, इसमें मुझे लगता है कि गोदरेज तोड़ने के इस्तेमाल में काम आता होगा। ये सामान बरामद हुआ है, ये बताया जाए कि 6 लाख से ऊपर का चोरी जी। जैसा कि उनके बहन और बहनोई बता रहे हैं कि 10 भर सोने की बात है, और 40,000 तो कैसी बता रहे हैं ये लोग। तो अब जब तक वो रिटेन में नहीं आते हैं और उन लोगों से बात नहीं होती है, हम प्रयास कर रहे हैं कि जो मकान मालिक हैं बिट्टू जायसवाल जी से बात कर कर के फिर बताते हैं, और जो रिटेन आ जाता है उसके बाद FIR होगा, फिर उसे चोरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या CCTV फुटेज भी यहाँ देखने का हम प्रयास कर रहे हैं, कहीं किसी मकान में अभी तक तो नहीं दिखा है, हम पता लगाते हैं कि किसी मकान में CCTV कैमरा लगा होगा, तो उसमें देख करके चोरों की पहचान करके उसकी कार्रवाई की जाएगी। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल News Prime 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।